आज की वीडियो में हम इंसेक्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन इसमें हैं फिजिकल पॉइजन ये ऐसे पॉइजन हैं जो कि इंसेक्ट्स को फिजिकली हार्म करते हैं जिनके रिजल्ट में इंसेक्ट की डेथ हो जाती है द एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैवी ऑयल्स स्टार ऑयल्स और दूसरे सब्सटेंसेस जो कि इस फिक्सिएशन मीन्स के जो कि ऑक्सीजन डेप्रीविएशन कॉज करते हैं और इसके रिजल्ट में इंसेक्ट की डेथ हो जाती है नेक्स्ट है नर्व पॉइजन ये ऐसे पॉइजन्स हैं जो कि एसिटाइल कुलीनस्टरेज इंजाइम जो है जो कि जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्जाइम होता है ठीक है ये नर्वस सिस्टम को इन रिटर्न इफेक्ट करते हैं इनको हम कहते हैं दीज आर नर्व पॉइजनस ठीक है और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बोमेट्स रेस्पिटरी पॉइजन ऐसे पॉइजन हैं जो कि जो सेलुलर रेस्पिशन का प्रोसेस है इसको हाल्ट करते हैं इनहिबिट करते हैं बाई इनहिबिटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल्स दैट इज लिंकड टू द फॉसफो रिलेशन ऑफ ए डी ए डी बी जो कन्वर्जन है इन टू ए टी पी इसको ये इन्हेबिट कर रहे होते हैं तो इसमें एक्जाम्पल है हमारे पास साइनाइड और कार्बन मोनोक्साइड नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन ये ऐसे पॉइजन हैं ये टॉक्सिकेंट्स हैं जो कि प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन कॉज करवा देते हैं जिसके रिजल्ट में जो सेलुलर प्रोटोप्लाज्म है स्पेसिफिकली मिड गर्ड के जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय दिस्ट्र, हो जाता है ठीक है और इसमें एग्जाम्पल्स हैं आर्सेनिकल कंपाउंड्स की नेक्स्ट जनरल पॉइजन ऐसे पॉइजन हैं जिनके न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स होते हैं लेकिन ये अप्लाई करने के कुछ अर्से बाद जो है वो ज़ाहिर होते हैं ठीक है एंड दे डू नॉट फिट इन टू एनी ऑफ द अदर कैटेगरीज इन इनको हमने जनरल पॉइजन की कैटेगरी में रखा है एग्जाम्पल्स हैं क्लोरडेन और टॉक्सोफिन एल्ड्रिन नेक्स्ट है काइटिन इनहिबिटर्स ये ऐसे पॉइजन हैं ये इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि इंसेक्ट्स की जो नॉर्मल मोल्टिंग का प्रोसेस है उसको इम्पेयर कर देते हैं और नेक्स्ट जो काइटिन नहीं बन रही है वो भी प्रॉपर ठीक से नहीं बन पाती ठीक है एग्जाम्पल्स इंक्लूड नोवान डाइफ्लोरबोरन एंड ब्यूपोफरजन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एंट्री ठीक है मोड ऑफ एंट्री की बेस पे सबसे पहले कॉन्टेक्ट पॉइजन ये ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि किसी भी टाइप ऑफ इंसेक्ट जो है उसको ऊपर अप्लाई कर किए जा सकते हैं जैसे कि च्यूइंग टाइप है सकिंग टाइप है एवरी टाइप ऑफ इंसेक्ट ठीक है जब आ, ये इंसेक्टिसाइड जो है इंसेक्ट क्यूटिकल के साथ कॉन्टेक्ट में आती है देन इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट शो होता है नेक्स्ट है फ्यूमिगेंट पॉइजन ये ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि मोस्टली इनडोर इंसेक्ट्स जो हैं इनके अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं और ये जो इंसेक्ट के स्पायरिकल्स हैं या ट्रे ट्रकियाँ हैं ठीक है गैशस फॉर्म में होते हैं तो इनके जो स्पायरिकल्स या ट्रकिया हैं इनके थ्रू इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं नेक्स्ट इज स्टमक पॉइजन स्टमक पॉइजन मेनली च्यूंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो है उनके हैं उनके अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं बिकॉज ये क्या है कि अलॉन्ग विद यर फूड जो है ये आ, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं नेक्स्ट है सिस्टेमिक पॉइजन ये ऐसे पॉइजन्स हैं जो कि हम सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं सकिंग इंसेक्ट पेस्ट जो हैं उनके अगेंस्ट यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्लांट पार्ट है ये किसी भी प्लांट पार्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स ये फिर प्लांट का जो है एक हिस्सा बन जाते हैं ठीक है प्लांट के जो फ्लूड्स हैं उनका एक पार्ट बन जाते हैं और जब इंसेक्ट जो है उन फ्लूड्स को सक करता है तो देन ये उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन द टॉक्सिसिटी सबसे पहले है एक्सट्रीमली ट इनका जो कलर होता है दैट इज रेड और सिंबल जो है इसके ऊपर स्कल और पॉइजन जो है ये लिखा हुआ होता है मॉडरेटली टॉक्सिक जो होते हैं इनका जो कलर होता है बॉटल कलर दैट इज़ ब्लू और सिंबल जो है इसके ऊपर डेंजर होता है लिखा नेक्स्ट हाईली टॉक्सिक जो होते हैं इनका येलो कलर होता है और सिंबल जो है दैट इज़ पॉइजन और लेस टॉक्सिक जो हैं इनका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन और सिंबल जो है इसके ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन द केमिकल ग्रुप सबसे पहले हैं अल्काइल हेलाइड इंसेक्टीसाइड जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन टेट्रोक्लोराइड क्लोरोफॉर्म नेक्स्ट बेंजोइल यूरिया इंसेक्टिसाइड जिसमें क्लोरबेंजूरॉन है क्लोर फ्ल्यूरोजूरॉन है ठीक है ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं नेक्स्ट बोटैनिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं जिसमें हमारे पास रोटेनॉन है राइनिया है निकोटीन है नेक्स्ट कार्बोमेट इंसेक्टीसाइड्स हैं जिनमें एग्ज़ाम्पल्स हैं बेंडियोकाब ठीक है कार्बोफ्योरिन है कार्बरइल है ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टीसाइड्स है, जो हैं इनमें हमारे पास डी है ब्रोमो डी है नेक्स्ट क्लोरीनेटेड साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड्स हैं जिसमें एग्जाम्पल हमारे पास है एल्ड्रिन क्लोरडेन डाइलोरिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स में एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास क्लोरफेनबीनोस ठीक है नेक्स्ट uh, पायराजोल इंसेक्टिसाइड्स जो हैं इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है फिप्रोनिल एंड स्टीरोड इंसेक्टीसाइड्स में हमारे पास एग्जाम्पल है एग्डास्टीरोड पायरस्थड इंसेक्टीसाइड्स इंक्लूड एलैथोन बाईफेंथर नेक्स्ट न्यूनिकोटिनसे जो हैं इसमें एग्ज़ाम्पल है इस एसिटामिप्रिड थाप्रिड अच्छा जी नेक्स्ट uh, है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स के मेजर दो डिसएडवांटेजेस हैं नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स मीन के इंसेक्टिसाइड्स जो हैं ये हमारे जो इंटेंडेड ऑर्गेनिजम्स हैं मीन्स जो टारगेट्स हैं उनके अलावा भी जो इंसेक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको किल कर सकते हैं और जो हैं उनके लिए भी रिस्की हैं ठीक है अगर ये इंसेक्टीसाइड जो है वाटर सोर्सेज के साथ मिक्स हो जाए ड्यू टू लीचिंग एंड ड्रिफ्ट या रन ऑफ तो ये एक्वेटिक जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए भी हार्मफुल हैं और अगर बर्ड्स जो हैं ये कंटामिनेटेड वाटर जो है उसको पीते हैं ठीक है तो वो भी अफेक्ट हो सकते हैं सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टीसाइड्स लाइक डीडीटी जो है ये यूएस के अंदर बैंड है बिकॉज ये जो प्रडेटरी बर्ड्स हैं इनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज को अफेक्ट करता है नेगेटिवली नेक्स्ट है रेजिस्टेंस के इंसेक्ट्स जो हैं जब हम रिपीटेडली एक्सपोज करते हैं एक ही इंसेक्टिसाइड को तो उनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है फाइनली और फिर अब जो वो इंसेक्टिसाइड अप्लाई करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज उनके अंदर रेजिस्टेंस डिवेलप हो जाती है ठीक है क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट है और न्यू जनरेशन जो है एवरी थ्री टू फोर वीक्स प्रोड्यूस होती है तो रेजिस्टेंस जो है इनमें बहुत जल्दी डिवेलप कर जाती है